विराट और अनुष्का के मुंबई रिसेप्शन में आज जुटेंगे क्रिकेट और बॉलीवुड के सितारे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज आ सकते हैं इस रिसेप्शन। अनफिट डुप्लेसी जिम्बाब्वे के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच से बाहर, अरसे बाद वापसी करने वाले डिविलियर्स कर रहे हैं कप्तानी, डेन स्टेन भी बुखार की वजह से नहीं खेल रहे। और मेलबर्न में शुरू हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेविड वार्नर ने जमाया शतक, एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट पर 244 रन, स्टीव स्मिथ एक और शतक की तरफ। नमस्कार, गुड इवनिंग, राहुल खान गुप्ता। आज की बड़ी खबर है रवि शास्त्री का बयान जो उन्होंने धोनी के बारे में दिया है। आज तक को इंटरव्यू में रवि शास्त्री ने एक बार फिर साफ किया है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी इस वक्त भारतीय क्रिकेट में नहीं है। उनका कहना है कि ना तो धोनी में मोटिवेशन कम हुई है और ना ही फिटनेस या काबिलियत के लिहाज से धोनी किसी से पीछे है। दरअसल रवि शास्त्री ने कहा कि 26 साल के जो युवा खिलाड़ी है, धोनी आज शायद उनसे भी ज्यादा फिट है। हालांकि नीले कपड़ों की क्रिकेट अभी अभी खत्म हुई है, भारत की टीम कल देर रात रवाना होगी साउथ अफ्रीका के लिए। वहां पर पहले 3 टेस्ट मैच होंगे, बाद में 6 मैच नीले कपड़ों में होंगे। लेकिन रवि शास्त्री का यह कहना धोनी 26 साल के युवाओं से भी ज्यादा फिट है, ये दर्शाता है कि धोनी ने पिछले 1.5 महीने में अपनी यूटिलिटी एक बार फिर कैसे साबित की है। What I see in this team and what is different, take Tendulkar. When 2012-13-14 people were gunning for Tendulkar's head, for goodness gracious me, Sachin Tendulkar comes once in a lifetime, not even a lifetime, a century. I'm seeing the same with MS Dhoni. I mean, questions have been asked. What is different here though is captain coach. The two people that decide and run this team have backed MS Dhoni like pillars. That for me is a very different India. Is that the case? And can you talk about that? And why would we do so? We are stupid. I've been watching the game, playing the game, being part of the team last 35 years. Virat's been in the scene for a decade now, you know, almost a decade. We know what's there. At his age, 36, he will outbeat players who are 26. You know, people who talk, you know, they sometimes forget they also played the game. And if they look themselves in the mirror and ask them the question, what they were at 27, would they have run 2 runs faster? By the time they finish 2, this fellow will finish 3 at this age. And then he's won only 2 World Cups. He averages only 50 plus. Till today, you don't have a wicketkeeper to replace him in the one day game. कोच के तौर पर बड़ा बयान है क्योंकि कोच कप्तान जो भी बोले वो टीम के ड्रेसिंग रूम को दर्शाता है। और सवाल उठे थे T20 में लेकर धोनी की जगह को, वनडे में तो खैर कभी भी सवाल नहीं खड़े हुए थे, T20 में लेकर जरूर खड़े हुए थे तब, जबकि धोनी का बल्लेबाजी में क्रम कभी 6 कभी 7 था। लेकिन अब इस T20 सीरीज में धोनी ऊपर खेले हैं और शायद ये टीम के बैलेंस के लिए भी और धोनी के लिए दोनों के लिए बेहतर है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं, रवि शास्त्री ने बात तो सही बोली है कि रन लेने में कोई कमी नहीं, विकेट कीपिंग में कोई कमी नहीं, बल्लेबाज और सिर्फ कोच और कप्तान नहीं बल्कि कई सीनियर खिलाड़ी, अब रोहित शर्मा तो इस सीरीज में स्टैंडिंग कैप्टन थे लेकिन सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका भी यही मानना है कि अभी भी धोनी जैसा कोई नहीं। रिसेंटली आई थिंक उन्होंने लोग हमारे यहां पर इंडिया में लोग रिसेंट परफॉर्मेंसेस को लेकर जज करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंसेज में आई डोंट थिंक कि उनका परफॉर्मेंस किसी प्लेयरों से कम है और टीम के लिए बहुत जरूरी है। टीम में काफी नए खिलाड़ी है, आपने बार बार देखा होगा टीवी पर कुलदीप यादव हो या
युजवेंद्र चहल हो, जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, बॉलिंग करते हैं पीछे से उनसे बात करते हैं कि क्या करना है क्या, क्योंकि उनको पीछे से पता चल रहा है कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज है वो MS धोनी लाते हैं टीम के लिए, तो जो लोग समझ नहीं पाते, आई थिंक उनका जो इनपुट है शायद अगर कप्तान कवर्स में या कहीं पे खड़ा है उनको दिखाई नहीं देगा कि बॉलर की लेंथ कहाँ है, कहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। तो ये MS धोनी पीछे से उनको, उनसे बात करके उनको बताते हैं कि आप ये करने की कोशिश करो तो शायद आउट हो सकते हैं, और काफ़ी बार वो प्लान हमारा सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करते हैं, और उनकी एक्सपीरियंस जो है वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने एज अ कप्तान इतने सारे ट्रॉफीज जीते इंडिया के लिए, तो टीम में एक एज अ लीडर है अभी भी। अच्छा, ये साल तो बड़ा शानदार और यादगार भारत के लिए, लेकिन 2018 कई बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। सबसे पहली चुनौती है साउथ अफ्रीका में केप टाउन टेस्ट मैच 5 तारीख से शुरू होना है, और कल देर रात भारत की टीम जो है उड़ेगी, साउथ अफ्रीका जाएगी। ऐसे में बड़ी बात यह है कि शायद अब तक का यह सबसे सुनहरा मौका होगा जब भारत साउथ अफ्रीका जाकर सीरीज जीत सकता है। सबसे बड़े इम्तिहान के लिए टीम इंडिया तैयार, दक्षिण अफ्रीका में जीत के लिए भरी हुंकार। कोशिश भी यही रहेगी कि हमें जीतने के लिए जाना है। हम अभी से ही बात करना शुरू कर दिए हमने ड्रेसिंग रूम में, हमको जीतना है उधर, ड्रॉ या ये सब करने। अगर आप जा रहे हो कि नहीं यार एक टेस्ट जीतने के बाद दो टेस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं होगा। अरसा हो गया दक्षिण अफ्रीका जाते जाते, लेकिन कभी सीरीज नहीं जीते तो नहीं जीते। 6 में से 5 बार दक्षिण अफ्रीका जीत गया और 2010-11 में सीरीज ड्रॉ हो गई। अगर किसी ने पढ़ा है तो वो है श्रीलंका के दक्षिण अफ्रीकी कोच निक पोथास ने। वो दक्षिण अफ्रीका को सावधान करते हुए कहते हैं, टीम इंडिया ने इस दौरे के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगर उन्हें ग्रीन टॉप दिया गया तो उनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है जो मेजबान बल्लेबाजों पर हावी हो जाएगा। अगर फ्लैट विकेट दिया गया तो वो उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर टर्निंग ट्रैक दिया गया तो भी उनकी तैयारी पूरी। For us, all opposition is the same. All opposition has to be respected. Every game is a home game. And as it turns out, next month is in South Africa. Now, where South Africa is different is that we've never won a series in South Africa. So therein lies a massive opportunity for the team to do something special. The belief is there. We are going there and we'll treat South Africa like we've treated every other opposition we played against. There'll be respect, but we go there to win. We go there to play to win. टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के लिए कल देर रात मुंबई से रवाना होगी। रवानगी से पहले कप्तान विराट कोहली मीडिया से बात करेंगे और उनके टारगेट पर होगा मिशन 2018। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्पोर्ट्स तक, ये लाइव कवरेज आपको पूरी रिसेप्शन की जो है वहां पर मिलेगी। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स तक को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम वीडियोज आपको वहीं पर मिलेंगे।